जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आ गई सुंदरकांड लेके अर्थ सहित दो दोहे की चौपाइयां में बहुत छोटा कर करके आप सबको सुना रही हूँ। सुंदरकांड सुनने से और खुद करने से बहुत लाभ होता है। लक्ष्मी घर में प्रवेश करने लगती हैं और दरिद्रता दूर भागने लगती है। तो आप सब भी सुंदरकांड को सुनिए और कीजिए, जिससे कि घर में लक्ष्मी प्रवेश करें। चलें चौपाइयों की तरफ। 20वां भाग। ताते राम नहीं नरे भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला, ब्रह्म अनाम अज भगवंता, हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनाद और अनंत ब्रह्म हैं। गोद्रेज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताई बायो रुत जिनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु कहूँ बैदे ही, भजऊ राम बिनु हे दुसने ही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण इसने करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जे ही लागा, जासु नाम त्रय पापु न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिए रावन। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पदला गऊ बिने करऊ, दस शीस पर हर मान मोहम्मद, भजऊ को सिलाधीस, मुन पुलिष्ट ने जैसे सन कई पढ़ाई, ये बात तुरत सो में प्रभु सन कही, पाई सो अब सरुतात। मुने पुलिष्ट जी ने अपने शिष्य हे दशीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए।
मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु बचन सुने अति सुख माना तात अनुज तब नीत विभूषण सो उर धरऊ जो कैत विभीषण। माल्यवान नाम का यह बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीत विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर से कहते सट दो दूर न करहु यहाँ है को माल बंत ग्रह गया बहोरी कही विभीषण पुन कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस कही जहाँ सुमति ते संपति नाना जहाँ कुमति ते विपति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि छोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपरीत दुख रहती है। तब उरे कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानो रिपु प्रीता काल रातिन से चरे कुल केरी ते सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीत है। तात चरण गए राखो मोर दुलार सीता देहु राम कहूं तुमार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, यानी कि मुझ बालक के आग्रह को इसने पूर्वक स्वीकार कीजिए। विभीषण छोटे हैं ना रावण से, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। तो ये समझा रहे हैं विभीषण जी रावण को। और विभीषण कब समझा रहे हैं? जब उन्होंने पूछा तब उन्होंने ये सब कहा कि आप जब मेरे से पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको ज्ञान ही दूंगा, आपके हित की ही बात कहूंगा, अहित की बात नहीं करूंगा। ये हुआ हमारा 20वां भाग। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सियाराम। श्री रामचंद्र जी आप सब पर बहुत कृपा करें, सुख शांति और घर में समृद्धि दें। जय सियाराम।